नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं कुलदीप आर्यवीर। दोस्तों आज हम साधारण दंड लगाएंगे, 100 हिंदू दंड। तो दोस्तों ये दंड बहुत ही ज़बरदस्त है हमारे कंधों के लिए, और जिनको भी जो कुश्ती करते हैं वो भाई अधिक लगाते हैं, क्योंकि इसमें शोल्डर जो है पूरा मूव करता है, आगे जाते हैं फिर पीछे आते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये दंड रहती है। तो इसमें आज हम आपको दिखाएंगे कि हम 100 दंड कैसे लगाएं। लगाने को तो हम भी खूब लगाते हैं, हजारों हजारों लगाते हैं, लेकिन 100 दंड लगाने एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत मुसीबत की बात होती है। तो दोस्तों आप सब भी आसानी से लगाते हैं, थोड़ा सा बस मतलब अपने आप को मजबूत करना पड़ता है, थोड़ा मन बनाना पड़ता है करने का, कोई बड़ी बात नहीं है। 10-15 तक मजा आएगा, उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन आप लोग कर लोगे आसानी से। तो देखिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग भी कैसे लगाते हैं। थोड़ा सा पहले वार्म अप कर रहे, तो मैं वार्म अप कर चुका हूँ और अभी जो है सिर्फ दंड लगाना बाकी है। तो हम जो है शुरू करते हैं, दंड इस तरीके से उतार के, मैंने दो ईंटें भी रखी है, तो टी शर्ट इसलिए उतारी थोड़ा क्योंकि पसीना आता है। ऐसे ठंड में टी शर्ट पहन के करना चाहिए, गर्मियों में टी शर्ट उतारेंगे ताकि पसीना अधिक ना आए, यानी थोड़ी हवा सी लगती रहे, हल्की हल्की थोड़ी शरीर को मिठास सा मिलता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, ईंटों पे अच्छा रहता है ज़्यादा, ज़मीन पे भी बहुत अच्छा रहता है। तो जैसे भी आपको सुविधा हो, ईंट मिले ईंट से, ऐसे रहे तो ऐसे शुरू करते हैं। इस तरीके से पर्वतासन में आ जाएंगे और फिर ये तीन स्टेप्स में जो आते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। अब इसको दूसरे तरह से भी देख सकते हैं कि 1, 2, 3, तो इस तरीके से हम जो है ये स्टेप ले सकते हैं, 1, 2, 3, 2, 3, 4, मन मन में गिने 5, ठीक है, गिन के बताना कितनी हो जाएगी।
तो दोस्तों देख सकते हैं आप मज़ा आ गया लगाने में। और ये जो है दंड आप ऐसे कंटिन्यू लगा सकते हैं। अभी जैसे देखा मैंने 100 लगाया और पसीना अच्छा खासा आ गया, तो ऐसे ही आपको ही पसीना आएगा और मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर कटिंग आती है इससे भी, जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसे ही दंड बैठक से जो है आप लोगों को सुंदर कटिंग, सुंदर बॉडी आपको मिल सकती है। ठीक है, तो आप ऐसे ही मेहनत करते रहे, थोड़ा सा बिल्कुल कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ा हवा बना के रखा है व्यायाम को ना, कुछ नहीं, थोड़ी सी मेहनत की बात है। अगर आपने खुद पे मतलब कब्जा कर लिया ना कि मुझे करना है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा मन को दृढ़ करिए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ठीक है, आप प्रयास तो करके देखो एक बार दंड लगाने का, बहुत आसानी से जो है लग जाएगी दंड। तो दोस्तों ऐसे ही आप जो है मेहनत करते रहे ताकि आपको पूरा पूरा लाभ मिले। और डाइट का खास ख्याल रखें कि अपना जो भी खाए देसी खाए पूरा। ठीक है, आप फालतू की चीज़ें ना खा करके अपना जो है जड़ी बूटियों का सेवन करें। थोड़ा सा हो सकता है कहीं पे ना हो तो अपना जो है देसी घी दूध का ही प्रयोग करिए आप। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा जो है आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा। और दबा के खाओ, दबा के पियो, दबा के सो, दबा के मेहनत करो, दबा के पढ़ाई करो। ठीक है, ये बाद की बात है, बॉडी बनानी पहले अपना करियर देखो जिस चीज़ में आपका है। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके आप मेहनत करिए, तो ऐसे ही जो है आपकी सेवा में सदैव उपस्थित रहूँगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय आर्यभट्ट।